जी नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। कुछ छोटा सा लिखा है, दिल से लिखा है, तो चाहता हूँ पहले सुना दूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो लिखा ये है कि इज्जत, शीर्षक है इज्जत। तो बचपन में जो इज्जत कक्षा में उत्तम आने वालों को मिली, वो मुझे ना मिल पाई। बचपन में जो इज्जत कक्षा में उत्तम आने वालों को मिली, वो मुझे ना मिल पाई। जवानी में वही इज्जत अच्छा दिखने वालों को मिली, पर मुझे ना मिल पाई। जवानी में वही इज्जत अच्छा दिखने वालों को मिली, पर मुझे ना मिल पाई। थोड़ा आगे बढ़े जिंदगी में तो यही इज्जत अच्छा पैसा कमाने वालों को मिली, पर मुझे ना मिल पाई। थोड़ा आगे बढ़े जिंदगी में तो यही इज्जत अच्छा पैसा कमाने वालों को मिली, पर मुझे ना मिल पाई। पर बात अगर इज्जत की है तो वो तो वक्त के साथ जगह बदलती रही। बात अगर इज्जत की है तो वो तो वक्त के साथ जगह बदलती रही, कभी कक्षा कभी पैसे के ऊपर संवरती रही। सच तो ये है कि मुझे भी अच्छा दिखना होगा, सच तो ये है कि मुझे भी अच्छा दिखना होगा। इज्जत चाहिए तो अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखना होगा, क्योंकि पैसे की इज्जत है पर इसकी भी कि कमाया कैसे, क्योंकि पैसे की इज्जत है पर इसकी भी कि कमाया कैसे। अगर गांव से शहर में आके घर बसाया तो बसाया कैसे, क्योंकि यहाँ पेट काट के खाने वाले भी हैं और गला काट के खाने वाले भी, यहाँ हक जमाने वाले भी हैं और हक मारने वाले भी, यहाँ हक जमाने वाले भी हैं और हक मारने वाले भी। मुझे क्या बनना है ये तो साफ है, मुझे क्या बनना है ये तो साफ है, क्योंकि अपने लिए तो मेहनत ही माई बाप है। आई होप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सबकी कहानियां तो सेम है, सबकी कहानियां सेम है, पर जब तक तो एक दूसरे की कहानी सुनते नहीं ना, लगता है कि शायद ये मेरे साथ ही होता है, बाकी सबका अच्छा चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब अपना अच्छा ही डालते हैं, फेलियर्स नहीं। तो आई होप पसंद आया आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लव यू ऑल फ्रॉम योर्स एंड योर्स ओनली, डॉक्टर सागर चौधरी। नमस्कार, प्रणाम।